श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आपको ज्ञात होगा कि हर एक व्रत की एक व्रत कथा अवश्य होती है और व्रत करने वाले भक्त इस कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करते हैं। वेदों और पुराणों में बार बार वर्णन किया गया है कि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत कथा का सुनना अनिवार्य होता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की भी व्रत कथा है। ये कथा सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने मुनि नारद के श्री मुख से सुनी थी। आज इसी कथा को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये पावन कथा। दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी, जिसका विवाह कंस ने वासुदेव से किया। जब कंस अपनी बहन देवकी का सारथी बनकर उसे ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम जिसके सारथी बने हो, जिस बहन को तुम ससुराल ले जा रहे हो, उसी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध कर देगा। यह सुनते ही कंस बड़ा ही क्रोधित हुआ और अपनी बहन का वध करने के लिए उसने तुरंत तलवार खींच ली। देख वासुदेव क्रोध उसका बड़े ही घबराए, कंस और देवकी के बीच में स्वयं चले को कैसे दोगे मार, हमारे
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि वासुदेव की बात मानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और बाहर कड़ा पहरा भी लगा दिया तथा प्रहरियों को आदेश दिया कि जब भी वासुदेव और देवकी के कोई संतान हो तो लाकर मुझे सौंप दिया जाए। यदि किसी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। प्रिय भक्तों, प्रहरी कंस के क्रोध से भली भांति परिचित थे, भला उनकी आज्ञा पालन कैसे ना करते। वासुदेव देवकी बंदी बन कर रहने लगे हैं, पहरेदार भी उनके ऊपर कड़ी नजर रखे हैं। देवकी जो रहती थी कभी पलकों की छाओ, शिशु की हत्या और दूसरे पुत्र का भी यही अंजाम हुआ। एक एक करके छह पुत्रों को मारते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कंस ने एक एक करके छह पुत्रों का वध कर दिया। प्रिय भक्तों, इन छह पुत्रों के नाम क्रमशः कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मार्दन और भद्र थे, जो जन्म लेते ही कंस के हाथों मारे गए। भक्तों, श्री कृष्ण जन्म के विषय में आप सभी भली भांति परिचित हैं, किंतु भक्तों, आज हम इस कथा के माध्यम से ये बताएंगे कि इन्हें जन्म लेते ही कंस के हाथों क्यों मरना पड़ा। अपने पूर्व जन्म में देवता ब्रह्म लोक में हुए, सभी देवता ब्रह्मा जी की कृपा के पात्र थे। इन पे सदा ही ब्रह्मा जी रखते थे कृपा दृष्टि, क्षमा इन्हें करते थे हो जाए जो कोई गलती। ब्रह्मा जी का इनके ऊपर जो उपकार हुआ, स्वयं के ऊपर फिर तो इनको भी अहंकार हुआ। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर दे दिया इनको श्राप, दैत्य वंश में जन्मोगे तुम करोगे कई पाप। अपनी भूल के ब्रह्मा जी से क्षमा ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते।
भक्तजनों, देवकी के 6 पुत्र जिन्हें कंस के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई, अपने पूर्व जन्म में स्मर, उद्रेत, परिश्रवंग, पतंग, शुद्रमृत व घृणी नाम के देवता हुआ करते थे, जिन पर ब्रह्मा जी की विशेष कृपा थी। ब्रह्मा जी इनकी छोटी मोटी भूल को क्षमा कर देते थे, जिसके कारण इनको खुद पर अहंकार हो गया और उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ भी नहीं। इसी दौरान उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लेने का श्राप उन्हें दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो गई तथा वह ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने श्राप को कम करते हुए कहा कि अब तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना होगा, किंतु तुम्हारा ज्ञान पूर्व व्रत बना रहेगा। इसके बाद समय अनुसार इन देवताओं ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने से कोई पाप नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी के तप में बिताया, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। उन 6 देवताओं ने दैत्य होने के प्रभाव से वैसा ही वरदान मांगा। हमारी मृत्यु न देवताओं के हाथ हो, न गंधर्वों के हाथ, न ही हम किसी बीमारी से मरे। उनकी यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों द्वारा देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज हो गए, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, बल्कि किसी दैत्य के हाथों होगी। इसी श्राप के चलते देवकी गर्भ से 6 भाइयों ने जन्म लिया और सभी कंस के हाथों मरकर भी सुतल लोक में चले गए। श्री कृष्ण के हाथों निश्चित ही थी, भला वो कैसे टाली जा सकती थी। लाखों यत्न करने पर भी आखिर वो भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात आ ही गई। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वासुदेव से कहा, मैं अब माता देवकी के गर्भ में स्थापित होता हूँ। मेरा जन्म होते ही आप मुझे अपने मित्र नंद जी के यहाँ वृंदावन में ले जाना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। वासुदेव पूछने लगे, हम तो कंस के कारागार में हैं। तब श्री कृष्ण बोले, इस बात की चिंता मत करो,
जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना तुम्हें बाहर जाने का मार्ग दे देगी। पावन भादो मास के भक्तों कृष्ण अष्टमी है, ठीक रात के 12 बजे नक्षत्र रोहिणी है। माता देव की गर्भ से जो श्री कृष्ण जन्म लिया है और जन्म किया है, खुल गए सारे फाटक ताले, सो गए पहरेदार। अष्टमी के दिन आया प्रभु का आठवां है अवतार। वासुदेव लेकर के उनको चले गोकुल की ओर, काली रात अंधियारी घटाए बरस रही घनघोर। यमुना तट पर वासुदेव अब जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। जनों, मुनि नारद इंद्रदेव से कहने लगे, हे इंद्रदेव, श्री कृष्ण को एक टोकरी में लिटाकर वासुदेव जी जो ही यमुना तट पर आए तो देखा कि यमुना नदी तो उफान मार रही है, किंतु फिर वासुदेव जी को याद आया कि चतुर्भुज रूप में स्वयं इन्होंने बता दिया था कि यमुना भी रास्ता दे देगी। जैसे ही वासुदेव यमुना पार करने लगे तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। फिर से एक बार वासुदेव जी भयभीत हुए, किंतु उन्हें क्या पता था यमुना स्वयं श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। वासुदेव की घबराहट देखकर श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल लटका दिए। जैसे ही यमुना जी ने हरि के चरणों को स्पर्श किया तो यमुना जी ने वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। भक्तजनों, मुनि नारद ने कहा कि जैसे ही कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा, वो कन्या कंस के हाथों से छिटक कर उड़ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं स्वयं योग माया थी। और जो जाते जाते कंस को बता गई, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो गोकुल पहुंच गया है। इतना सुनते ही कंस क्रोधित होकर पांव पटकते हुए लौट गया और उसने राक्षसी पूतना को बुलवाया और कहा कि गोकुल में जाकर नंद के पुत्र का वध कर दे।
कृष्ण का भार। कंठ दबा कर श्री कृष्ण ने उसको भी दिया मार। वत्सासुर और बकासुर भी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, इसके पश्चात बकासुर के मारे जाने के बाद उसका छोटा भाई अघासुर भी श्री कृष्ण का वध करने के उद्देश्य से आया और उसने विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। इस रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहाँ खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सब प्रार्थना करने लगे और श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अघासुर को सांस लेना भी कठिन हो गया। अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया। जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। जनों, इसके पश्चात मुनि नारद ने इंद्रदेव को श्री कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार से बताया, जिसे सुनकर इंद्रदेव बड़े ही भाव विभोर हुए और कहने लगे, हे मुनिवर, आपने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक करके मुझे धन्य कर दिया है। एक बार स्वयं मैं भी भ्रमित हो गया था और गोकुलवासियों को डुबोने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा की थी। 7 दिनों तक मैं मेघों को बरसा बरसा कर हार गया। अंत में मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। हे मुनिवर, अब कृपा करके मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किस प्रकार किया। इंद्रदेव की बात सुनकर मुनि नारद जी कहने लगे, समझती थी खुद को वो बन गई सुंदर नार।
भगवान कंस पहचान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, पागल हाथी ने भी अपने प्रभु को पहचान लिया, किंतु अहंकारी कंस नहीं पहचान पाया और श्री कृष्ण एवं बलराम को मल युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध भूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक नाम के दो राक्षस श्री कृष्ण एवं बलराम से आकर भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर के दोनों भुजाएं पकड़ ली और कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को ऐसा जोरदार घूंसा मारा कि वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा और उसके भी तत्काल ही प्राण निकल गए। देखते देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान बलराम और कृष्ण द्वारा मारे गए। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा ही आनंद आ रहा था और उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, जिसे देखकर कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और अपनी तलवार लेकर जैसे ही श्री कृष्ण की ओर बढ़ा तो श्री कृष्ण ने कंस को इस प्रकार पकड़ा जैसे किसी गरुड़ को सांप पकड़ लेता है। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़कर सिंहासन से नीचे धरती पर पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। भगवान कृष्ण ने ऐसा प्रहार किया कि एक पल में ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस के क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ गए अत्याचार, श्री कृष्ण तब आए उनका करने को संहार। इंद्रदेव ने कथा को सुनकर प्रकट किया आभार, कहने लगे कि नमन आपको मेरा बारंबार। मुनि नारद ने कथा सुनाई, इंद्रदेव ने सुनी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की भक्तों कथा यही। चेतन शुक्ला ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा वर्णन, लाखों भक्त के संग सुनता जिसे हंस राज रिलहन। फौजी सुरेश भी सबका ही आभार जताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं।